अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज है जी हमारा वेडिंग अननेसेसरी आज है हमारा वेडिंग एनिवर्सरी और जो कुछ भी होने जाएगा वो बिल्कुल प्लान्ड नहीं है। सारा कुछ जो होगा ऑन द स्पॉट होगा क्योंकि कुछ हमने नहीं सोचा हुआ कि क्या करना है क्या नहीं करना। सो आज का व्लॉग लाजमी देखिएगा क्योंकि एक चीज़ हमने लाजमी सोची हुई है कि 8 पाउंड का केक आने वाला है और 800 के ही करीब लोग इन्वाइटेड है। सो स्टे कनेक्टेड, आज का व्लॉग बिल्कुल मिस ना कीजिएगा क्योंकि सानू व्याह दे चाहिए इन्होंने ऐसी कि आज 8 पाउंड का ही केक ऑर्डर करो, वेख ही चलेगा जो होगा। और इतनी मोहब्बत से जो हमने केक ऑर्डर किया है अपनी वेडिंग अननेसेसरी पे वो आपने लाजमी देखना है। तो शरीको दिल थाम के रहियो, आज साडा खुशी का मौका है, आज सानू जी लेन दियो। तो सबसे पहले तो थैंक्स जिन सब ने मुझे मेरी वेडिंग एनिवर्सरी विश की है, अपने अपने मैसेज लब लियो, लड़ियो ना, मैं जितने हो सके मेंशन कर दी वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती। जो भी इवेंट हो, शादी होए, ब्याह होए, मंगनी होए, निकाह होए, कुड़ियां ने कमो कमी होना ही होंगे। कुड़ियां ने मुक जाना काम, कर कर तक काम नहीं मुकने। अभी जी ये रूम का ये हाल हुआ हुआ था तो मैंने अब इसको कर लिया है नीट एंड क्लीन, ठन ठना। आई विश के इतनी आसानी से हुआ करे जितनी आसानी से हम दिखा सक रहे होते हैं। अब जैसी तैयार होने दी खान पीन दी पा देनी है, अन्नी जो हाथ आई जाएगा असी गेड़ा दिती जाना है। तो आपने जम के बैठ जाना है एक ही जगह पे और सारी वीडियो देख के जाना है। कसम लगे थानू एज आई टोल्ड यू बिफोर के कुछ भी प्री प्लान नहीं है। तो मियाँ जी ने बोला कि सारा लिविंग एरिया लश पश कर दो क्योंकि जी नाई आने वाला है, ख़ास नाई बुलाया है एरिया का ताकि ख़ास सा गाजर का हलवा बनाए ख़ास मौके के लिए। भाई साड़ी वेडिंग एनिवर्सरी है, कोई आम जी गल थोड़ी है। ले जी नाई हाजिर हो गया, चूचे दे अंडे दे तेरी दे भन्नी जा रहा, भन्नी जा रहा, भन्नी जा रहा, पाई जा रहा। गाजर के हलवे के टशन के लिए तमाम लवाजमात हाजिर हैं, खोया, घी, इलायची, बादाम, पिस्ता। एक इतना नाई वाला काम, फेंटा चढ़न का अंदाज वेखो तुसी। ड्राई फ्रूट्स को तो देख के वैसे ही नीयत इतनी बेईमान हो रही होती है कि इंसान ऐसे ही खा जाए, छड़ो परे हलवे च पान नू। मनो ना मनो एदे ज़हन च इस टाइम शरीका ही चल रहा, दे तेरी दी कुटापा लाई जा रहा, लाई जा रहा, लाई जा रहा। कभी कभी ऑलरेडी प्लान करके भी इतनी अच्छी सेलिब्रेशन ही होती है जितनी के आप ऑन द स्पॉट कर लेते हैं। साढ़े मियाँ जी ने तो इनिया खुशियां चढ़िया हुई ने कि उन्होंने इस खुशी के मौके पर इन्ने मिठे पकवा पकवा के काम चुक दिता हो। नाई की 2 घंटे की मेहनत में आपको सिर्फ 2 मिनट में दिखा रही हूँ। वीडियो देख के मुझे अंदाजा हुआ है कि अज जड़िया उन्होंने खलियां पैनिया है अल्लाह ही अल्लाह, क्योंकि मैनू तो तुम्हानू भी वीडियो वेख के ही पै जानिया ने तो की हाल होया होना है क्योंकि इसमें ज्यादा इनग्रीडियंट्स ज्यादा आई थिंक इसको मदौला देना मैटर करता है। इनू चंगा मदौला देने वास्ते भी तुहाडे अगले पिछले जिन्ने रिश्तेदार ने उन्होंने जहन च रखना बहुत जरूरी है। जिदा जिदा काजू वेच जाई जा रहे सी उदा उदा मेरा दिल आई जा रहा सी कि किदा ये हलवे च जाए बगैर डायरेक्ट ही साडी खिदमत च पेश हो जाए, असी इन्हां नूं इंज भी कबूल कर लांगे, साडा दिल बहुत वड्डा है। काजू ओ रुक जाओ ना जा, मेरा दिल ये पुकारे आ जा। अब बारी आ गई है जो मेरे अपने जाती टशन की, तो आई एम गोना वियर दिस आउटफिट और प्राइस तो इसकी पूछे ही मत, 4.5 लाख का सेल से लिया है। ओरिजिनल प्राइस इसकी 10 लाख थी बहनों, 10 लाख। टैग भी पवो हो, जो भी बेहोश हो या नहीं अले तक। हियर वी गो, सारे प्लास्टर के बाद दिस इज माय फाइनल लुक। थोड़ी जी तारीफ मैं क्या असी आप भी कर लिया, मियाँ जी ने तो जड़ी करनी है करनी है। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुक लाइक अ वाव। सबसे खूबसूरत बात इस दिन की ये थी कि जो कुछ हो रहा था बहुत ही अचानक हो रहा था और बहुत अच्छा हो रहा था और बगैर सोचे समझे हुए जा रहा था। जैसे मेरा तैयार होना ही अचानक था, गाजर का हलवा बनना ही अचानक था, कस्टर्ड बनना ही अचानक था और आपका इस वीडियो पे जमे रह के देखना भी अचानक ही है ना। कस्टर्ड तो स्पीडो स्पीडी रेडी हो रहा था लेकिन मेरा सारा माइंड केक की तरफ लगा हुआ था कि मैं लाइफ में पहली बार इतना बड़ा केक कट करने जा रही हूँ। मेन्यू में पालक गोश्त और चावल भी इंक्लूडेड थे। वैसे मेरा सबको मशवरा है कि जो हो रहा होता है होने दिया करो, पहले से प्लान ना किया करो क्योंकि जो बिना सोचे समझे हो रहा होता है वो बहुत ही बेहतरीन हो रहा होता है। जैसे हम बिना सोचे समझे गोलगप्पे खाने आ गए थे तो यकीन करो इतना मजा आया, मैंने कहा जब तक गोलगप्पे नहीं आ रहे इधर उधर तंका झांकी कर लूं और अलग से भी हमारा डे सेलिब्रेशन हो जाए, सारा घर में ही क्यों करें भाई, थोड़ा बाहर भी तो जाना चाहिए ना। गोलगप्पे खाने से पहले मैं आपको एक मशवरा दे दूं कि जब भी गोलगप्पे खाएं किसी नई जगह से तो पहले थोड़े ऑर्डर किया करें, चख लिया करें, उसके बाद अन्निया पा दिया करो, जिन्हें मर्जी खाओ, राज के खाओ।
क्योंकि अगर एक ही बार ज्यादा सारा ऑर्डर कर लेंगे तो गोलगप्पा मजेदार भी नहीं निकले तो सामने भी पिया हो तो बंदा खा भी ना सके। इस तो वड्डी नाइंसाफी जिंदगी च नहीं हो सकती। बिना सोचे समझे जो सेलिब्रेशन होती है कमाल होती है। मैं कहती आखिर हो गई सी, अब जी हम आ गए थे आइसक्रीम खाने, इतनी ठंड में आइसक्रीम खाने का जेड़ा स्वाद आया चासा ही है। मैं कहा इन्नी ठंडी आइसक्रीम सी, ओनी ठंडी जिन्हें मेरे रिश्तेदार मेरिया गल्ला सुनने तो बाद हो जाते हैं। तो अब जी टाइम आ गया था सेलिब्रेशन का। हेयर वी गो, ये जी हमारा 8 पाउंड का केक और हम सारी फैमिली ने जो है नाइफ को होल्ड कर लिया। इतना बड़ा केक था, काटना आसान नहीं था, तो मैंने कहा कि यार सब मिलके काटेंगे। हैप्पी एनिवर्सरी वेडिंग एनिवर्सरी टू अस। सेलिब्रेशन तो हमने जैसे तैसे कर ली थी, लेकिन अब इसको कट करना बहुत ही मुश्किल मरहला था। इसके पीसेस करना मुझे डर लग रहा था कि कहीं पे ये सारा गिर ही ना जाए, तो हमारा 8 पाउंड का केक जो है उसका कनिया दान ना हो जाए। ग्रैंड इवेंट था, यकीन करें आपकी बहन ने अकेले 800 मेहमानों को मैनेज किया है बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके के साथ। और अभी भी देखें मैं कितने अच्छे से इसके पीसेस कर रही हूँ। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, केक बड़ा हो ना हो सोच बड़ी होनी चाहिए। सोच मेरी बड़ी थी तो सेलिब्रेशन का मजा आ गया। मैं कहनी आखिर हो गई है, एनी कमाल सेलिब्रेशन कदे ना किसी ने की होनी है तो ना कोई कर सकता है। आपका मेंटल पीस स्टेबल होना, आपका खुश होना, आपका इनर सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी होता है। तो यकीन करें कि मुझे तो ये 8 पाउंड का ही लग रहा है। हम जो थानू ना लगे तो वक्री गल है, जो थानू ना लगे तो समझ आइए कि थोड़ा इनर सेटिस्फाइड नहीं है, तुसी खुश नहीं हो। ए लगियां मुर्शद मिर्चा शरीका नू। एक मिनट हजे किधर नू, पिक्चर अभी बाकी है शरीको। ये वीडियो स्पेशल उनके लिए जो ये सोच के खुश होने लगे थे कि असी केक नहीं कटिया या जेड़े भी सड़न तो रह गए सी उन्होंने चंगी तरह सड़न वास्ते है। तुहानू की लगता है दिल केक नहीं कट सकती? दिल ने दो केक कटे ने ते दिल होर भी बहुत कुछ कट सकती है, याद रखियो। चलो जी हम भजो सारे, अपना रखिएगा ख्याल, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। फी मान अल्लाह।